बहुत ही कम तेल में आज हम बनाएंगे कुछ अलग, इतना मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी ऐसा नया नाश्ता जिसे देखते ही बनाने का मन करेगा। आप इस नाश्ते को ब्रेकफास्ट में या फिर एज अ स्नैक शाम को परोस सकते हैं। आलू का इस्तेमाल किया है तो बच्चों को भी बहुत भाएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी में हमें बारीक वाली ही सूजी चाहिए। टेबल स्पून के नाप से देखें तो 3 से 4 चम्मच सूजी है। और अब हम जितना सूजी लेंगे उतना ही गर्म पानी लेंगे। तो सूजी भीगने भर ही पानी डालें, यानी कि 1/4 कप से 1 चम्मच कम। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अब हम सूजी को 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का आलू। तो आप बिल्कुल भी बड़े आलू का इस्तेमाल ना करें। तो ये कच्चे आलू हैं तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। और अब हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। आलू को कस लिया है और अब हम आलू के लच्छे को पानी में डाल देते हैं ताकि काला ना पड़े, और 1-2 बार पानी बदलते हुए आलू को साफ कर लेंगे। आलू के लच्छे को धोने के बाद इसी तरीके से स्ट्रेनर पे रहने दें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 पीस व्हाइट ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर 1-2 दिन पुराने ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं इस तरीके से रफली तोड़ते हुए ब्रेड। आपको कॉर्नर्स काटने की भी जरूरत नहीं है। और अब पल्स मोड पे यानी मिक्सी चालू बंद करते हुए हम ब्रेड को पीस के ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो लीजिए, ताज़ा ब्रेड क्रम्स तैयार है। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए 1/4 कप यानी आधा बारीक कटी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने चाकू से बारीक बारीक काट लिया है। 1 मीडियम आकार का बिल्कुल बारीक कटा प्याज, 2 चम्मच धनिया पत्ती और 1 छोटा गाजर जिसे मैंने बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और अब हम डाल देते हैं आलू के लच्छे। तो इस तरीके से हाथों में लिए और एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए जितना हो सके दाबते हुए निकालें और बोल में डाल दें। और अगर मैं आपको सारी सब्जियों का नाप कब से बताऊं तो हर एक सब्जी का नाप 1/4 कप है। अब डाल दीजिए 2 कसा हुआ लहसुन। तो थोड़ा सा लहसुन डाल देने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हम इस्तेमाल करने वाले हैं साथ में 1/2 टीस्पून चाट मसाला, ताकि नाश्ता चटपटा हो सके। इस तरीके से मिला लीजिए ताकि सब्जियों से जितना जूस यानी रस अलग होना है वो भी अलग हो जाए। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। हाँ, आप चाहें तो 2 पिंच भी डाल सकते हैं। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक डाल रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इधर 5 मिनट में ही सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है। तो बस कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से चम्मच से सूजी को मिला लें ताकि मोटे मोटे दाने सब घुल मिल जाएं। कुछ सेकंड मिलाने के बाद हम भींगे हुए सूजी को डाल देते हैं सब्जियों वाले बोल में। तो बस वापस से हम सब्जियों में सूजी को मिला लेते हैं। तो सूजी घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। वैसे आप चाहें तो गेहूं का आटा, मैदा या फिर चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, भूल के भी बेसन ना डालें, बेसन से टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे से मिलाने के बाद डाल दीजिए ब्रेड क्रम्स। तो सारा एक ही बार डाल दें। और अब हम सभी चीज़ों को वापस से मिला लेते हैं। तो सब्जियों को काट के आप पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तभी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेस्ट पे रखिएगा तो मिक्स हमारा गीला भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो इस तरीके से मिला ले। हल्के हाथों से मिलाते हुए हम डो की तरह समेट लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स डाला है इसलिए बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। सूजी डाला इसलिए नाश्ता क्रिस्पी भी बनेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से ही मिलाएं। तो बिल्कुल भी ये मिक्स रोटी की डो की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो जब आप हाथों में ले और देखिए इस तरीके से लड्डू बंधने लगे, तो समझिए नाश्ते का मिक्स परफेक्ट है। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो इस तरीके से हाथों में थोड़ा मिक्स लें। तो बस इस तरीके से लेते हुए हाथों में हम गोल कर लेते हैं।
और हथेली के बीच रखते हुए थपथपाते हुए फैलाते हुए हम बड़ा कर लेंगे टिक्की जैसा, और हल्का सा किनारों से भी सेट कर लेंगे, क्योंकि हमने सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है ना, तो किनारों से क्रैक आएगा, तो ऐसे कीजिएगा तो गोल हो जाएगा। तो जैसे मैंने टिक्की के आकार में बनाया है, आप चाहें तो थोड़े छोटे आकार में बना सकते हैं या फिर और भी बड़े साइज में बना सकते हैं। तो कुछ सेकंड में ही बन जाते हैं, तो बस प्लेट में रख लें और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो अगर आपको बाजारों वाला नाश्ता खाने का मन हो रहा है या फिर ब्रेड सैंडविच या ब्रेड कटलेट खाने का मन हो रहा है, तो इस तरीके से झटपट आप इस नाश्ते को बनाएं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है, तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पहले से बिल्कुल भी बना के ना रखें। तो चलिए फटाफट हम कम तेल में नाश्ते को पका लेते हैं। तो तवे पे डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल और इस तरीके से चारों तरफ फैला लीजिए। वैसे आप चाहें दोस्तों तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तवा मध्यम गर्म हो चुका है, बहुत तेज धुएंधार हम तवे को गर्म नहीं करेंगे, और अगर आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाते तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से बिना चिपके हाथों में आ गया है। हम इस तरीके से नाश्ते को तवे पे डालते हैं, तो हम कम तेल में इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए निश्चिंत होकर आप ब्रेकफास्ट में भी या फिर टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो देखिए, हमने एक ही बार सारे नाश्ते को डाल दिया है, और ये जो किनारे पे ऑयल आ गया है ना, तो इस तरीके से तवे को थोड़ा हिलाए तो बहुत ही अच्छे से सभी जगह फैल जाएंगे। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो देखिए, 2 मिनट हो चुका है और अब हम पलटी करेंगे, तो जब किनारों से लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी उलटिएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा ऑयल हम दूसरी तरफ भी लगा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पका है। तो हमने ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए नाश्ते का कलर थोड़ा सा डार्क आएगा। उलटने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और इसी तरीके से हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी सेक लिया है, मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ, कितना बढ़िया दिख रहा है। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात, शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो गर्मा गर्म जब आप देखेंगे तो नाश्ता आपको थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद क्रिस्पी हो जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है सुबह शाम का बेहद टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार नाश्ता। तो गर्मियों में बिल्कुल भी ज़्यादा तला हुआ खाने का मन नहीं करता, तो इस तरीके से आप इस चटपटे नाश्ते को कम तेल में बना सकते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 5 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो मैंने इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, नमकीन के साथ मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। आप बच्चों को मेयोनीज के साथ दे सकते हैं या फिर तीखी हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस ब्रेड के नाश्ते को खाने के बाद ब्रेकफास्ट में आपको और कुछ दूसरा नाश्ता खाने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी हैं, तोड़ के दिखाती हूँ। तो कितना कुरकुरा है मैंने दिखा दिया है, देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। फाइबर से भरपूर ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आप चाहें तो एफ पी पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे भी फॉलो कीजिएगा। Bye and take care.